अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सयाम महमूद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कैल जो वाकया बच्चे के साथ पेश आया और उस पर गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद कैल से उसी बच्चे के वालिद ने रابطہ किया और कुछ तस्वीरें सेंड की। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें उस बच्चे की हैं जिसके साथ ज़्यादती करने के बाद बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था? बच्चे के वालिद का कहना है कि कुछ लोग इस मुल्ज़िम की ज़मानत करवाने की कोशिश में हैं। यह वही लोग हो सकते हैं जो ऐसे लोगों की पुष्पनाही करते हैं और ऐसे बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूं कि अगर इस बच्चे की जगह पर आपकी बहन, बेटी या भाई होता तो तब आप क्या करते? तब भी ज़मानतें करवाते? तब भी आप उस दरिंदे के ख़िलाफ़ थानों के चक्कर लगाते? तब भी आप उस मुल्ज़िम को आज़ाद घूमने देते? ये याद रखो कि अगर ऐसे लोग उन दरिंदों की पुष्पनाही करते हैं तो उन लोगों से भी आपके बच्चे महफूज नहीं हैं। ये लोग कौन हैं जो ज़मानत करवा रहे हैं? इत्तला के मुताबिक उनका सियासी ताल्लुक शाह गुलाम कादर से है। हमेशा से ही जो लोग भी ऐसे काम में मुलव्वस रहे उनका ताल्लुक नून लीग से ही रहा है। शाह गुलाम कादर का नाम इस्तेमाल करके पुलिस को धमका कर ज़मानत करवाने की कोशिश में वो लोग मसरूफ़ हैं और पुलिस पैसे बटोरने में मसरूफ़ है। ऐसे लोगों को बेनकाब करने की ज़रूरत है, चाहे वो सियासी लोग हैं या नाम निहाद गाँव के वडेरे। और यह भी इत्तला हैं कि पुलिस मुतासरा बच्चे के वालिद से पैसे ले रही है और 50,000 तक ले भी लिए हैं। एक गरीब बाप क्या करता? इज्जत बचाने की खातर कर्जा लेकर पुलिस के कहने पर उनकी रोटी पानी की मद में दिए और बाप की सादगी देखकर पुलिस उस पर हावी होगी और डरा धमका कर पैसे लिए जा रहे हैं। कहाँ गए कानून के रखवाले? कहाँ हैं नाम निहाद सोशल वर्कर? कहाँ हैं इंसाफ के ठेकेदार? जनाब साजिद इमरान साहब, ऐसे लोगों की तरफ भी मुतवज्जह हों जो राहजनी की वारदातें करके मासूम बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। मंशियात के ख़िलाफ़ तो खूब क्रैकडाउन किया, लेकिन मंशियात से गंदा नशा राहजनी का है जिससे मासूम बच्चे बच्चियां निशाना बनते हैं। बदनाम ज़माना पुलिस अहलकार जो इदारे के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, वो अपने बच्चों को हराम की कमाई खिलाकर समझते हैं कि हमारे बच्चे हलाल के हैं। ऐसी काली भेड़ों को बेनकाब करके उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन करें ताकि नीलम काली भेड़ों और दरिंदों से महफूज रह सके। उस माँ या वालिद से पूछो जिनके मासूम बच्चे के साथ ये वाकया पेश आया, उन पर क्या बीत रही होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस मासूम को इंसाफ दिलाया जा सके और उन लोगों को बेनकाब किया जा सके जो सियासत के खेल में घिनौना खेल खेलते हैं।